उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शुरुआत में जहां देहरादून और अन्य मैदानी जिलों में ही डेंगू की बीमारी फैलाने वाले एडीज मच्छर की सक्रियता बनी हुई थी, वहीं अब पहाड़ में भी मामले मिल रहे हैं। बागेश्वर जिला अस्पताल के इन तस्वीरों को देखिए, ये सभी लोग डेंगू की जांच कराने के लिए लाइनों में लगे हैं। बागेश्वर में अब तक लोगों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। 3 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 7 मरीजों का घर से ही इलाज किया जा रहा है। अभी तक जो मैंने मरीज देखे हैं, 8 से 10 मरीज मेरे पास आए हैं, जिसमें से अधिकतर मरीज जो है बिल्कुल स्टेबल है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो अधिकतर मरीजों की हमने छुट्टी कर रखी है। केवल अभी 2 से 3 मरीज हैं मेरे पास, वो पुलिस के सिपाही हैं, उनकी भी हिस्ट्री, ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है उनकी, तो उनको डेंगू पॉजिटिव आया है, स्टेबल है वो भी, और उनके जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे चल रहा है। पिछले 4 दिनों में डेंगू के 10 मरीज मिले हैं। डेंगू के खतरे को देखते हुए जिला अस्पताल में एक वार्ड अलग से बनाया गया है। वार्ड में 5 बेड लगाए गए हैं। डेंगू के लिए एक अलग से वार्ड बना दिया गया है, आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। उसके लिए जरूरी सामग्री, दवाइयाँ, उसकी उचित व्यवस्था है हमारे पास। मैं छानबीन कर रहा हूं, या और कुछ जो भी आवश्यकता होगी तो वो जो है हम एक्स्ट्रा परचेज कर देंगे। बाकी अभी कोई ऐसे सामान्य है, कोई विशेष उठाने की बात नहीं है, इससे संबंधित इतनी भी तैयारियाँ। डेंगू के बढ़ते मामलों से नगर पालिका के दावों की पोल खुल गई है। नगर पालिका के तमाम इंतजाम फेल हो गए हैं। हर जगह जल भराव की समस्या है, निकास नालियां तक साफ नहीं है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है। निकासी की समुचित व्यवस्था न होने की चिंता न पालिका को है, न अन्य जिम्मेदार महकमों को। नगर में नियमित रूप से फॉगिंग तक नहीं की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।